तो 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे, लेकिन उससे पहले सबकी नजर आज के पोल ऑफ पोल्स पर है। और वोटिंग खत्म होने के बाद, जो तेलंगाना में आज थी सेकंड राउंड की, उसके बाद वोटिंग खत्म होने के बाद पोल ऑफ पोल्स आ चुके हैं। अब आपको माय एग्जिट पोल की बड़ी बातें बताते हैं। 5 राज्यों के एग्जिट पोल्स के रुझान आ चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि ये डेटा अगर आप देखेंगे, आज तेलंगाना में जो वोटिंग थी उसके बाद से ही सबकी ये नजरें थी कि कब एग्जिट पोल्स के नतीजे आएंगे, और लगातार इसमें अपडेट्स भी आ रहे हैं। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है, लेकिन कुछ कुछ पोल्स जो हैं वो एक तरफा फैसला भी देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि एग्जिट पोल्स हैं, ये नतीजों में बदलेंगे या नहीं, इसके लिए हम सबको इंतजार करना पड़ेगा 3 तारीख का। लेकिन शुरुआत में जो हाइलाइट्स हैं वो हमने आपको दिखाया, तो मिजोरम में MNF बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, और अब कुछ पोल्स ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कंफर्टेबली जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ पोल्स ये भी कह रहे हैं कि जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी तरह से दूसरे राज्यों का भी हाल है। अगर आप हर पोल का अलग अलग एनालिसिस करेंगे और उनका एक डिटेल निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे, तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पोल और पोल्स में यही समझ में आ रहा है कि हर जगह लगभग जो है वो कांटे की टक्कर है। कम से कम जो महत्वपूर्ण राज्य कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के लिहाज से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहां पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। अब रुख करते हैं हमारे आज के मेहमानों का। हमारे साथ हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म्स के चेयरमैन और जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अनिल आनंद सर भी जुड़ चुके हैं, जाने माने पत्रकार हैं और राजनीतिक स्तंभकार भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल सर, आपका भी। अनिल सर, मैं आप ही से चर्चा की शुरुआत करता हूं। सर, अभी तक एग्जिट पोल्स में कांटे का ही मुकाबला नजर आ रहा है, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। आपका एनालिसिस क्या कह रहा है, ये जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं सर, ये एक्सपेक्टेड लाइन्स पर हैं या कुछ आपको अनयूजुअल लग रहा है इसमें? देखिए, पोल को ये कह देना कि एक्सपेक्टेड लाइन पे है, ये गलत होगा। अंततोगत्वा 3 तारीख को क्या होगा वही अंतिम निर्णय होगा लोगों का। लेकिन आपने जो पोल ऑफ पोल्स की बात कही दीपक, उससे मैं बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ। ये कह देना कि ये पोल एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, कोई किसी को जिता रहे हैं, ये कहना गलत होगा। एक बहुत ही रोचक चित्रण किया है इस पोल ने, वो ये है कि दोनों धड़े बराबर की लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें। दोनों ने अच्छा चुनाव लड़ा, जाहिर है अच्छा चुनाव लड़ा तो मुकाबला कर पाए। दोनों ने अपनी अपनी अच्छी तरह से स्ट्रेटजाइज किए, तो ये चित्रण बहुत बढ़िया है कि ये एक मुकाबले का टक्कर होता हुआ नजर आ रहा है। अब वो जो मैक्सिमम सीट्स हैं या मिनिमम सीट्स हैं, कोई कहीं पे ज़्यादा ले रहा है, कोई कम ले रहा है, वो अंतर कितना रहता है, उस अंतर का फॉलोआउट क्या होगा, ये चीज़ें तो 3 तारीख को ही नजर आएंगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुकाबला बड़ा अच्छा है, हेल्दी मुकाबला है, और ये किसी करवट भी बैठ ऊँट किसी करवट भी बैठ सकता है। यही तो दिलचस्प है इस बार कि हर राज्य में ऐसा लग रहा है कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अजय सर, आपने भी यही एक्सपेक्ट किया था, नेक टू नेक फाइट, या आपको लग रहा था कि कहीं कोई एक स्पष्ट तस्वीर नजर आएगी? देखिए, यही उम्मीद थी कि राजस्थान, क्योंकि अल्टरनेट सरकारें चुनता है पिछले कई दशकों से, तो ये उम्मीद थी कि राजस्थान में एक क्लियर रुझान जरूर आ जाएगा। बट आनंद साहब ने जैसे कहा दीपक जी, कि वेव नहीं है, इसको आप वेव नहीं कह सकते, कांटे की टक्कर है दोनों के बीच। तो जो 2019 में लोगों ने कहा था, जैसे कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकारें बनी थी बड़े बड़े राज्यों में, इस टाइम वो इस टाइम पे इस बारी इतना स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो वेव तो नहीं है। ये क्या दर्शा रहा है कि लोग इतने डिससैटिस्फाइड भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि एक तरफा वो रुझान दे रहे हैं अक्रॉस स्टेट्स, कांटे की टक्कर है। और ये पोल्स, क्योंकि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट सैंपल्स उठाए जाते हैं, तो कुछ हजार लोगों से पूछा जाता है, तो अब एक्यूरेसी देखनी पड़ेगी कितनी एक्यूरेसी आती है, और ये 3 तारीख को ही स्पष्टता से हमें पता लगेगा किस तरफ ये सरकारें बन रही हैं। बट वेव नहीं है, मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात इस बारी की है कि वेव नहीं है किसी भी पक्ष के समर्थन में।
एब्सोल्युटली। लेकिन अनिल सर, अब थोड़ा सा अगर हम राज्यवार चले जाएं और सबसे पहले राजस्थान से ही अगर हम शुरुआत करें, यहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जो चाह रही है वो वसुंधरा नहीं चाह रही है और वसुंधरा जो चाह रही है वो बीजेपी नहीं चाह रही है। एक डिफरेंस था जो फर्स्ट जो लिस्ट भी आई थी उसमें वसुंधरा का नाम ना होना, काफी चकल्लस इस पर फिर शुरू हुई। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, आखिर में जाकर थोड़ा मैनेजमेंट करने की जरूर कोशिश की गई कि सचिन और गहलोत साथ में है, लेकिन वहां पर भी बड़ी उहापोह की स्थिति आंतरिक रही। तो ये ओवरऑल अगर आप मैनेजमेंट के स्तर से देखें राजस्थान में, तो किसका मैनेजमेंट आपको बेहतर लगा? दीपक, मैनेजमेंट करने की दोनों तरफ कोशिश हुई लेकिन दोनों तरफ डिले भी हुआ। हालांकि मेरे हिसाब से मैनेजमेंट बेटर कांग्रेस में हुई। आप देखें तो एक महीना या डेढ़ महीना पहले के बाद से देख लें या उसके बाद उससे पहले, तो कहीं पे भी आपको गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई द्वंद्व युद्ध नजर नहीं आया, बल्कि वो कई जगह पे वो प्लेटफॉर्म शेयर करते हुए नजर आए। खासकर केंद्रीय नेतृत्व जब का वहाँ पे था, राहुल गांधी रैली कर रहे थे, प्रियंका कर रही थी या खड़गे कर रहे थे, तो उन्होंने प्लेटफॉर्म भी शेयर किया। ये ऐसा सिनेरियो अगर बीजेपी में कम देखने को मिला। हालांकि कोशिश हुई रेप्रोचमेंट करने की, वसुंधरा जी को एक थोड़ा सा गुड ह्यूमर में रखने की कोशिश हुई, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका ऑप्टिमम यूज इन्होंने इस्तेमाल उनका किया नहीं। कैंपेन में उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो सकता था। रिपोर्ट्स भी थी कि वसुंधरा का उनको बाकी बहुत सारी जगह भेजा नहीं गया, और बजाते खुद भी उन्होंने अपने जो 38 या 40 कैंडिडेट उनकी जिनको मैंडेट मिला था उन्हीं पे फोकस कर रही थी। तो ये एक जो दरकिनार करने की कोशिश हुई, वसुंधरा जी को इनिशियल स्टेजेस पे इग्नोर करने की कोशिश हुई, मुझे लगता है अगर बीजेपी पिछड़ी तो ये खमियाजा उसी वजह से उनको भुगतना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। मेरे साथ अजय सेतिया सर भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अजय सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपके इनिशियल कॉमेंट्स, जो एग्जिट पोल्स दिख रहे हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या कुछ नयापन दिख रहा है सर आपको इसमें? नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जिट पोल जो आए हैं बिल्कुल हमारी अपेक्षाओं के अनुसार ही आए हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती हुई दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में मोटे तौर पर जो सबका आकलन है कि वो कांग्रेस रिटेन करेगी, तो वो ऐसा ही आकलन हमको दिखाई दे रहा था। हाँ, मध्य प्रदेश में टफ फाइट है, वहां पर अभी भी एग्जिट पोल से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन आगे निकल सकता है। कुछ कुछ कहीं पर लैंडस्लाइड विक्ट्री भी दिखाई दे रही है। कुछ कुछ पोल जो हैं मध्य प्रदेश में वो कंफर्टेबल मेजोरिटी की तरफ बीजेपी को दिखा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये पॉसिबल है? अपर हैंड तो निश्चित रूप से बीजेपी का रहेगा। हाँ। लेकिन मेजोरिटी किसी की आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, आशंका ये है कि 2018 वाली स्थिति भी पैदा हो सकती है। ऑलराइट, 2018 की स्थिति अगर पैदा हुई तो मैं सीधे सर फिर से आपके पास आऊंगा। अगर 2018 की स्थिति पैदा हुई तो फिर बीजेपी ही अंततोगत्वा फाइट अपने पक्ष में कर देगी, या आपको लग रहा है कि इस बार बेहतर रणनीति कांग्रेस के पास होगी? देखिए, डिपेंड करता है कि अपर हैंड किसका है। अगर अपर हैंड भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार बनाने की। पिछली बार क्या था, 5 सीटें कम हो गई थी भाजपा की। इस बार अपर हैंड बीजेपी का लग रहा है तो सरकार बनने की संभावना भी ज्यादा बीजेपी की हो जाएगी। अनिल आनंद सर, ऐसा कहा जाता है कि मतलब ये कोई, मैं बहुत ही कैजुअली जो चकल्लस कही जाती है राजनीति में, जो गपबाजी होती है वो इस तरह की कही जाती है कि मौजूदा स्थिति ये हो गई आजकल कि कांग्रेस बीजेपी को सिर्फ एक सीट चाहिए, मेजॉरिटी से एक सीट ज़्यादा भी आ गई तो वो अपना आराम से अपना सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस को कम से कम मार्जिन बड़ा रखना पड़ता है 20-25-30 सीटों का, क्योंकि फिर पोस्ट रिजल्ट जो मैनेजमेंट बीजेपी का वो ऐसा है कि वो जीती हुई बाजी भी छीन ले जाते हैं। तो आपको लग रहा है इस बार भी ऐसी कोई स्थिति ना आ जाए? देखिए, बिल्कुल हो सकता है, जैसे सेतिया जी ने कहा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक मॉडल फॉलो कर रही है भारतीय जनता पार्टी 2019 से, जो उनकी पुरानी जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी से की सोच से हटके है। तो जैसे अमित शाह ने कई बार मजाक में कहा या सीरियसली कहा कि चाहे सीटें जितनी भी आए सरकार हमारी ही बनेगी, तो वो एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं और उसी मॉडल को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको याद हो तो कमलनाथ ने और बाकी केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं ने जहां जहां कैंपेन की
तो उन्होंने यही कहा लोगों से कि हमको 2/3 मेजोरिटी से जिताइए, ताकि ये सिनेरियो ही ना बने कि जहां पे एमएलए तोड़ने पड़े या एमएलए टूट के चले जाए। लेकिन क्या वो होता है, कितनी लीड मिलती है, कितनी। दूसरा एक और फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, खासकर मध्य प्रदेश में अगर ऐसी स्थिति बनती है कि 2-4-5 सीटें कम हैं बीजेपी की या 2-1-2 सीटें ज्यादा हैं, तो उसके में सरकार बनानी पड़े। तो पहली बार ये बड़ी क्लैरिटी थी कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, वो क्लैरिटी इस बार नहीं है। वो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा कि पहले भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो एक क्लैरिटी तुरंत लानी पड़ेगी कि कौन मुख्यमंत्री बन रहा है, किस कौन मैनेजमेंट करेगा। क्या मोदी जी खुद आके मध्य प्रदेश में मैनेजमेंट करेंगे, क्या अमित शाह खुद बैठ के वहां पे मैनेजमेंट करेंगे। अगर तो वो है तो फिर तो अलग बात है, फिर तो किसी को भी बनाया जा सकता है। तो ये तय उनको करना पड़ेगा। ये एक नेगेटिव फैक्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता दिखता है कि क्षेत्रीय क्षत्रप जो हैं, खासकर शिवराज सिंह चौहान को, उनको उन्होंने काफी अरसे तक तो अंधेरे में रखा, फिर उनकी टिकट भी 4th-5th लिस्ट में अनाउंस हुई। तो ये एक असमंजस की स्थिति को किस तरह से डील करती है भारतीय जनता पार्टी, इस पे भी डिपेंड करेगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थितियों में अगर भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनानी पड़ी तो एब्सोल्युटली। बग्गा सर, मैं थोड़ा सा आपके पास आऊंगा। दोनों ही परिस्थितियों में देखिए, क्योंकि रेंज बहुत है बग्गा सर, अगर आप देखें, मैं सिर्फ मध्य प्रदेश की जैसे बात करूं, मैं बाकी राज्यों की भी बात करूंगा, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में ही देखें आप, तो मिनिमम सीट जो मिल रही है अलग अलग एग्जिट पोल्स में वो 95-115 मिनिमम है बीजेपी के पक्ष में, और मैक्सिमम जा रही है 140 से 149 तक। तो रेंज बहुत बड़ी है, इतने बड़ी रेंज में कोई भी आकलन करना बड़ा मुश्किल सा नजर आ रहा है। तो ऐसे में मार्केट का रिएक्शन क्या हो सकता है, किस तरह का हो सकता है, और अभी तक के ट्रेंड्स किस तरह के रहे हैं सर, जब इस तरह के मौके आते हैं तो मार्केट किस परिस्थिति में किस तरह से रिएक्ट करता है? जी दीपक जी, देखें तो मार्केट नॉर्मली नेशनल इलेक्शंस में जाते हुए पिछले 3 नेशनल इलेक्शंस में बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ता है इलेक्शंस के चलते हुए। फिर इलेक्शंस जब अनाउंस हो जाते हैं, शुरू होते हैं, एक ठहराव आता है और फिर हल्का सा गिरता है रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि वो पचा लिया गया, डिस्काउंट कर देता है मार्केट। एज फार एज ये जो रीजनल इलेक्शंस कंसर्न है, इसमें ज्यादातर डिस्काउंटेड था कि शायद राजस्थान बीजेपी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस रिटेन करती है, तेलंगाना बीआरएस या कांग्रेस, बीजेपी बहुत पीछे है, और मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर। बट जो पिछली बारी मॉडल चला उसके तहत शायद फिर से सरकार बना लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये सेमीफाइनल नहीं देखा जा रहा मार्केट्स के तौर पर, जो थोड़ा लोग कह रहे थे कि 5 स्टेट इलेक्शंस हैं तो सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल मार्केट्स के लिए तो नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी दिख रही है। आज जीडीपी के आंकड़े बहुत बुलंद आए और एफआईज ने फिर से नवंबर में पैसा डालना शुरू किया भारत में, तो ओवरऑल मार्केट्स की स्थिति काफी स्ट्रांग है, ग्लोबल क्यूज भी अच्छे हैं। तो इससे मुझे बहुत शॉर्ट टर्म में अगर कोई एडवर्स रिएक्शन भी आता है, बहुत शॉर्ट टर्म का रहेगा और छोटी अवधि का रहेगा और जल्दी से पचा लिया जाएगा। तो ज्यादातर मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है, यही तय रहेगा। और इसके ऊपर अगर कोई ऐसे सरप्राइज आता है तो वो भी मार्केट हैंडल कर सकता है। ऑलराइट सर, तो ये क्योंकि देखिए ये वाला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट के लिहाज से भी था, एग्जिट पोल्स लाइंड अप थे, जीडीपी डेटा लाइंड अप था, एफएनओ एक्सपायरी, ऑटो सेल्स, ये की ट्रिगर्स थे इस मार्केट के। और जैसा सर बता रहे हैं कि वो आसानी से लोगों ने उसको एनालाइज करके उसको डिस्काउंट भी ऑलरेडी किया हुआ है। बट सेतिया सर, मैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश में वापस लौट रहा हूँ, और जैसा मैंने बताया सर कि रेंज बहुत बड़ी है, मतलब मिनिमम 90 सीट्स एंड मैक्सिमम 140-141 टू बीजेपी। इतनी बड़ी रेंज में हम एक अगर एक 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 फर्म अगर हम दिशा में आगे बढ़ना चाहें बीजेपी के लिहाज से, तो वो क्या दिशा हो सकती है? देखिए, सिर्फ एक एजेंसी है जिसने 95 सीट मिनिमम दी है बीजेपी को। हाँ जी, वो एजेंसी भरोसेमंद तो बिल्कुल नहीं मैं कह सकता, क्योंकि वो उसका पॉलिटिकल अलाइनमेंट पता है ऑलरेडी सबको। तो इसलिए बाकी सारे जो जितने भी एजेंसीज हैं उन सब एजेंसीज ने बीजेपी का अपर हैंड बताया है, और अच्छा खासा अपर हैंड बताया है। सिर्फ एक एजेंसी इसके अलावा है जो कांग्रेस का अपर हैंड बता रही है। मेरा मानना यह है कि
मेजोरिटी भी बीजेपी की आ सकती है या मेजोरिटी उधर आ सकती है, लेकिन एक बात जो मैंने पहले कही कि हंग असेंबली वाली स्थिति पैदा हो सकती है, तो हंग असेंबली वाली स्थिति पैदा होती है तो एक चीज आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन आना चाहेगा, ये एक बड़ी मुश्किल। अगर मेरा मानना यह है कि कांग्रेस की अगर सीटें थोड़ी बहुत कम बीजेपी से भी हुई तो भी कांग्रेस सरकार बना सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए या दूसरे जो जैसे नीतीश वहां लड़ रहे हैं या ये सब इंडिया गठबंधन के जो पार्टियां हैं, तो उनके पास और कोई चारा नहीं होगा कि वो कांग्रेस को समर्थन करें, क्योंकि फिर वे गठबंधन का सवाल पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में इनको एक फायदा यह होगा कि बार्गेनिंग की पावर इन छोटी पार्टियों के पास ज्यादा आ जाएगी, जो भारतीय जनता पार्टी का तो कोई सहयोगी वहां लड़ ही नहीं रहा है। तो अगर इंडिपेंडेंस की ही स्कोप बचती है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनने के लिए, अगर दो चार की भी जरूरत पड़ती है तो उनके पास तो इंडिपेंडेंट से आ सकते हैं, ना तो समाजवादी पार्टी का आएगा, ना नीतीश की पार्टी का आएगा, ना बसपा का आएगा। हाँ, बसपा की संभावना बन सकती है, क्योंकि बसपा अब नए एलाई नए तरीके से अलाइनमेंट कर रही है अपने आप को। तो सिर्फ बसपा की दो सीटें अगर आ जाए, पिछली बार क्या हुआ, पिछली बार एक उसकी सीट की जरूरत थी कांग्रेस को, तो एक समाजवादी पार्टी ने दी, दो बसपा ने दी, तो उनकी सरकार बन गई। तो लेकिन अब स्थिति यह है कि इंडिपेंडेंट सी बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं ये पार्टियां जो ऑलरेडी गठबंधन में है बसपा को छोड़ करके, ये जैसे जनता दल भी वहां पर उसका प्रभाव रहा है एक इलाके में और वहां पर वो जीतती रही है। अगर नीतीश कुमार एक दो सीटें लेकर जाते हैं तो आप मान के चलिए कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे, तो इसलिए ये स्थिति पैदा होती है। जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, जैसा कि अभी सवाल उठाया, तो मेरा मानना ये है कि आप एक बात को याद करिए कि राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत दो बार मुख्यमंत्री बने, 89 में और 93 में। दोनों ही बार बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था और उस समय लोग कहते थे कि भैरव सिंह शेखावत ऐसा चाहते ही नहीं कि पार्टी को बहुमत मिले, क्योंकि अगर पार्टी को बहुमत मिलेगा तो फिर संघ बैकग्राउंड का कोई मुख्यमंत्री बनेगा। तो अब यही स्थिति राजस्थान में भी पैदा हो सकती है, ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी पैदा हो सकती है। अगर मध्य प्रदेश में यह स्थिति पैदा होती है कि बहुमत नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूं शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वही जुगाड़ कर सकते हैं। जैसा आपने देखा कि पिछली बार चुनावों में जब कर्नाटक में भी कांग्रेस ने जेडीएस को समर्थन देकर के सरकार बना ली थी और यहाँ कमलनाथ की सरकार बना ली थी, तो दोनों पुराने मुख्यमंत्रियों को वापस लाना पड़ा, क्योंकि उन दोनों ने ही जुगाड़ किया था बहुमत का। तो इसलिए सारे प्रयोगों के बावजूद, जो राजस्थान में प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, जो मध्य प्रदेश में प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया, सांसदों को चुनाव लड़ा करके, मंत्रियों को चुनाव लड़ा करके, वो सारा प्रयोग विफल हो जाएगा। जो जुगाड़ करेगा फिर सत्ता तो उसकी होगी, बहुमत तो उसी का होगा, मुख्यमंत्री वही बनेगा। एब्सोल्युटली। और आप कह रहे हैं कि ये आपने बड़ा दिलचस्प कहा कि अगर पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा ही ये चाहे या ना चाहे कि पार्टी को कहां तक रोकना है, कहां तक आप आनंद सर, आपको लग रहा है इसमें ये स्थिति यहां शिवराज सिंह चौहान के केस में हो सकती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमने सुना कि शिवराज सिंह चौहान खुश नहीं है। आनंद सर, मेरी आवाज आ रही ना आप तक? हाँ, कुछ शोर था इसलिए कम सुनाई थी, जरा आप थोड़ा रिपीट कर दें। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जो अजय सर का जो आकलन है वो ये कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की एक स्ट्रैटेजी ये भी हो सकती है कि शायद उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत ना भी की हो, ताकि एक दायरे तक सिमटाया जाए, जीत तो मिले लेकिन एक सीमित सीटों तक मिले, ताकि उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उनकी प्रासंगिकता बनी रहे और वो सीएम पोजीशन को भी रिटेन करें, क्योंकि बीजेपी ने उनको सीएम पोजीशन रिटेन करने की कोई गारंटी नहीं दी है। नहीं, ये सही बात है, मैं ये पहले मैंने कहा भी, इसीलिए मैंने कहा कि एक ये भी तय करना पड़ेगा उनको कि सीएम कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन जहां तक बात यह है कि शिवराज सिंह चौहान ने मेहनत की या नहीं की, ये कहना गलत होगा कि उन्होंने मेहनत नहीं की। शिवराज सिंह चौहान आखिरी दम तक उन्होंने बहुत जी जान से मेहनत की और उन्होंने कहा भी कि मेरा काम पार्टी को जिताना है, मुख्यमंत्री बताना केंद्र का। हालांकि बीच में जब ऐसी स्थितियां आई तो उन्होंने टर्म्स डिक्टेट भी की, जब उनको उनका टिकट अनाउंस नहीं हो रहा था तो एक पब्लिक मीटिंग में प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने लोगों से पूछ लिया कि अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है ये तो बताइए, लेकिन क्या मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है आपने? तो उसी के बाद अगली लिस्ट में उनका नाम आ गया था। ये रसाकसी तो चलेगी। प्रॉब्लम ये है कि शिवराज सिंह चौहान अब मध्य प्रदेश में अकेले नहीं है इस वक्त।
जिस तरह से 2-3 केंद्रीय मंत्री भेज दिए यहाँ से, 7 एमपी भेज दिए, तो एक पूल बना दिया उन्होंने चीफ मिनिस्टर जो होपफुल होते हैं या मुख्यमंत्री के कैंडिडेट का एक पूल सा एक तैयार कर दिया। मैंने इसीलिए कहा कि अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है, कोई विकट स्थिति बनती है जहाँ के मार्जिन थोड़ी सीटों का आता है, थोड़ी सीटों की कमी पेशी रह जाती है या 2-4 सीटों की लीड होती है और सेफ लीड एक बनानी है, तो फिर तोड़जोड़ करने से पहले भी यही इनको तय करना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री हमारा कौन होगा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने मेहनत नहीं की, वो चाहेंगे कि कहीं वो उनके बस में नहीं है कि वो भैरव सिंह शेखावत जी का खेल एक और खेल था, वो एक फेज, वो एक वो वक्त अलग था, वो कहा जाता है और बड़ा प्रचलित था कि वो हमेशा उन्होंने कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी को 90 से ज्यादा सीटें आए ही ना, ताकि उनकी उनके ऊपर डिपेंडेंस बनी रहे और वही सरकार बनवाए। ऐसी स्थिति मुझे मध्य प्रदेश में मैं नहीं देख पा रहा हूँ। ऑलराइट सर, जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेन भी की है, बड़ा जी जान से उन्होंने कैंपेन की है, मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लीड भारतीय जनता पार्टी को वो सीटें मेजोरिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये बात की बातें हैं। ऑलराइट सर, ऑलराइट सर, मध्य प्रदेश अब थोड़ा सा आगे आएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल अजय सर, जब आप इन चुनावों को देख रहे थे और जो आपने शुरुआत में भी कहा कि इसे 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है और 5 राज्यों की पिच पर कौन इस सेमीफाइनल्स में विजेता होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा 2024 के इलेक्शंस, आपका जो अपना ग्रुप है उसमें किस तरह की बातें हो रही थी या आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या वाकई में इन 5 राज्यों के नतीजे जो भी होंगे उन्हें सेमीफाइनल्स माना जाए या नहीं माना जाए? सर देखिए, मेरा शुरू से ही मानना है कोई भी एक चुनाव अगले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता। आप पिछले इतिहास को देख लीजिए, 2003 में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों चुनाव जीत गई, बंपर जीत हुई। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने तो कुछ महीने पहले लोकसभा के चुनाव भी करवा दिए, लेकिन 2004 में भारतीय जनता पार्टी हार गई। और 2018 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों जगह पर भारतीय जनता पार्टी हार गई, तीनों जगह पर कांग्रेस की सरकार बन गई। और कुछ महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो क्या हुआ, इन तीनों ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीत गई, एक सीट मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती, 2 छत्तीसगढ़ में, बाकी सारी की सारी सुपड़ा साफ कर दिया कांग्रेस का उसने। इसलिए कोई भी एक चुनाव अगले चुनाव का सेमीफाइनल नहीं होता है। ठीक है सर, ऑलराइट सर, मैं जरा बग्गा सर से भी क्विक एक रिएक्शन ले लेता हूं। बग्गा सर, आपका ऑब्जर्वेशन इस लिहाज से क्या रहा, ये सेमीफाइनल है या नहीं? नहीं दीपक जी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत क्षेत्रीय इश्यूज, क्षेत्रीय लीडर आते हैं और नेशनल स्टेज पे जब आते हैं तो बीजेपी यही ट्राई करेगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो जाए, मोदी हाँ या ना का इलेक्शन हो जाए और बाकी सब फिर कोई टक्कर के नहीं है मोदी जी से। तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, नेशनल पे मुद्दे अलग होते हैं, देश हित की बात होती है, और ये रीजनल पे रीजनल डेवलपमेंट और रीजनल कास्ट बेस्ड वो सब चीजों की बात आ जाती है। बग्गा सर, मैं थोड़ा सा और, क्योंकि आपने शुरुआत में कहा था कि वेव नहीं दिखाई देती, इसको क्या हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करते हैं, कर सकते हैं पॉलिटिकली, कि वेव नहीं आना का मतलब क्या हुआ? क्या वेव नहीं आने का मतलब ये है कि जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके प्रति एक तरह की लेथार्जी आ रही है, या ऐसा लग रहा है कि जो स्टेट जो बॉडीज हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, ओवर डिपेंडेंस ज्यादा हो गई है मोदी जी के फेस के लिए, या कुछ और? किस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे सर इसे? ये आप देखिए, जब वेव नहीं है तो क्लैरिटी ऑफ इश्यूज नहीं है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, और लोगों का जो स्पेशली जो खाद्य पदार्थ दिए गए जिस तरह से कोविड के ड्यूरिंग मैनेज हुआ है वो बहुत बड़ी चीज रही है, कि भारत में जिस तरह से वैक्सीन हुई, जिस तरह से भुखमरी नहीं हुई, चाहे नौकरियां गई माइग्रेंट लेबर्स की, बट उसके बाद भी जो सेफ्टी नेट्स प्रदान किए गए उसके कारण दीपक जी वेव नहीं है। ये आप नहीं कह सकते कि एंटी इनकम्बेंसी आई, या फिर आप ऐसा कहें कि बहुत अच्छा गवर्नेंस है तो बहुत आगे कोई निकल गया, दोनों तरीके से हमें नहीं दिख रहा। तो ये इसमें क्या हो जाता है, फिर मार्केट्स इसको डिस्काउंट करते हैं कि इकोनॉमिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिक्स। अल्टीमेटली फंडामेंटल्स ही मैनेज करते हैं, वो हम कहते हैं मार्केट्स आर लाइक अ वेइंग मशीन, इलेक्शंस आर लाइक अ वोटिंग मशीन। तो मार्केट फिर फंडामेंटल वेटी सब्जेक्ट्स पर ही आ जाते हैं, और इस तरह का वेव नहीं होता है तो लोग कहेंगे चलो अब अप्रैल में देखेंगे क्या निकल के आता है,
तब तक तो हमें एक हाईवे दिख रहा है, उस पर चढ़ाओ गाड़ी और जाके इन्वेस्ट करो, ये फिर एक निर्णय निकल आएगा मार्केट्स का। ठीक है अनिल आनंद सर, अगर अगर ये वेव नहीं है तो हमने दो इलेक्शंस में देखा, हमने कर्नाटक के इलेक्शंस में देखा, हमने हिमाचल के इलेक्शंस में देखा, हमने देखा कि वहाँ की जो बीजेपी की लीडरशिप है वो पूरा सपोर्ट होने के बावजूद, एक ब्रांडेड फेस होने के बावजूद, उनकी क्या प्रॉब्लम रही, लीडरशिप में प्रॉब्लम रही, उनके नीतियाँ ठीक नहीं थी। हालांकि ये भी कहा जाता है कि भाई बीजेपी जहाँ भी सरकार बनाती है वो डबल इंजन सरकार बनाती है, तो एक 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 इंजन का हाथ जो है वो स्टेट लीडरशिप के पास होता है, दूसरा सीधा मोदी जी के हाथ में होता है। तो क्या हम माने कि स्टेट में अब बीजेपी को और ज्यादा मशक्कत गवर्नेंस में भी दिखानी होगी, सिर्फ मोदी जी के फेस के भरोसे ना बैठा जाए? मैं बिल्कुल सही आपने कहा, मैं मानता हूं इस बात का कि मोदी जी का फेस तो एक बहुत बड़ा एसेट है बीजेपी के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने एक अपना मुकाम बना लिया है और उनका उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊंचा है, बहुत गिरने के बाद भी बहुत ऊंचा है। लेकिन कुछ ना कुछ बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ेगा। कर्नाटक का खासकर आपने जिक्र किया, कर्नाटक का जो मॉडल है उस मॉडल में मोदी जी ने जी जान से मेहनत की, वहां पे एडिशनल रैलीज भी की, उसके बावजूद भी वो पार्टी को वहां जिता नहीं पाए। इसका मतलब है कि लोग कुछ और भी सोचते हैं, लोग कुछ और भी देखते हैं। लोग ये सोच लेना कि आपने एक एक अक्स दे दिया, एक फोटोग्राफ दे दिया, एक इमेज दे दी, तो उसी में सब कुछ सब कुछ बाकी डूब जाएगा। शायद कर्नाटक ने यह बताया कि उसके अलावा भी लोग सब कुछ देख रहे हैं, तो जितने फैक्टर्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, विमेन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बाकी चीजें और जितने इकोनॉमिक मैटर्स हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं महंगाई का बहुत बड़ा इशू है। जब ये इशू भी हिट करते हैं तो लोग इधर उधर की सोचने की कुवत रखते हैं, लोगों में सोच समझ है, ये मैं मानता हूं, और वोटर समझदार है। तो ये कह देना कि एक ही ब्रश से आप बिल्कुल हर वक्त एक ही ब्रश से एक ही पेंट से पॉलिश करके निकल जाएंगे, यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। एब्सोल्युटली यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि चेक्स एंड बैलेंसेस जो है वो बीच बीच में होते रहते हैं, जनता अपनी तरफ से संकेत भी दे रही होती है कि वो एग्जैक्टली क्या चाहती है, और उसकी से ही सबसे बड़ी होगी। अगर इसी स्वरूप में इस पूरे एग्जिट पोल्स के नतीजों को देखा जाए, अब एग्जैक्ट क्या होगा ये तो 3 तारीख बताएगी, लेकिन अभी के स्वरूप में दो तीन जो टेक अवेज हैं मैं इस तरह से ले रहा हूं कि नंबर वन, देर इज नो वेव काइंड ऑफ थिंग, ना वो कांग्रेस के पक्ष में ना वो बीजेपी के पक्ष में। नंबर टू, एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट पोजीशन पे होने के बावजूद बीजेपी से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा हिंदी पट्टी में खासकर, वैसा भी नजर नहीं आ रहा है, स्ट्रगल तो दिख रहा है सर। तो क्या इसे 2024 में जो विपक्ष की तैयारी जो चल रही है सर, और मैं तेलंगाना को भी इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा क्योंकि तेलंगाना में भी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है और बीआरएस थोड़ा पीछे है, तो क्या इसे 2024 में जो विपक्ष का स्वरूप इंडिया गठबंधन जिसे नाम दिया गया था उसके संदर्भ में कैसे देखें सर? देखिए, इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वेव क्यों नहीं बनी, ये एक सवाल है। ठीक। और दूसरा यह सवाल है कि क्या कांग्रेस 2 राज्यों को रिटेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। इंडिया जो इंडिया अलायंस है उसका जो स्वरूप कांग्रेस के लीडरशिप में अगर बनना है तो उसके लिए कांग्रेस को कम से कम 2 तो स्टेट रिटेन करने पड़ेंगे, या एक अगर हारती है राजस्थान तो उसकी जगह पर तेलंगाना उसके पक्ष में आए या मध्य प्रदेश उसके पक्ष में आए, वो जरूरी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वेव क्यों नहीं बनी और क्यों इस तरह के एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें सिर्फ राजस्थान में ही जीतती दिखाई दे रही है और मध्य प्रदेश में थोड़ी सी बढ़त दिखाई दे रही है, तो इसकी वजह यह है। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा, जो देश की राजनीतिक हिस्ट्री है उसमें यह देखा जाए कि इंदिरा गांधी के बाद जिस तरह कांग्रेस में क्षेत्र लगातार कमजोर होते गए, कांग्रेस को नुकसान हुआ, कांग्रेस आज इस स्थिति पर पहुंच गई है कि 2 बार से लगातार लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। और भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद बिल्कुल इंदिरा गांधी वाली स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को बनाती जा रही है और क्षेत्रों को खत्म करती जा रही है। पिछली बार भी ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री थे उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, इस बार भी ये हुआ कि जो मुख्यमंत्री की जो इस रेस में सबसे आगे हैं उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, मध्य प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जो थे उनको प्रोजेक्ट नहीं किया गया, और इससे पहले पिछली बार रमन सिंह को नहीं किया गया, अपना
वसुंधरा को नहीं किया गया और यहाँ पर शिवराज को नहीं किया गया। तो ये जो चेहरा आप दिखाना चाहते हैं एक राष्ट्रीय चुनाव में, तो वो ठीक है, राष्ट्रीय चुनाव में ठीक है कि मोदी का कोई जवाब नहीं है, कोई लीडरशिप उनके मुकाबले की विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन राज्यों में कांग्रेस के पास लीडरशिप है। उस लीडरशिप के सामने भारतीय जनता पार्टी अगर अपने क्षेत्रीय नेताओं को सामने नहीं रखेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किल होती चली जाएगी। और देखिए अब पिछली बार क्या हुआ कि उधर बघेल मुख्यमंत्री थे, आपने रमन सिंह को प्रोजेक्ट नहीं किया, आप हार गए। इधर शिवराज मुख्यमंत्री थे, आपने शिवराज को प्रोजेक्ट नहीं किया, आप हार गए। राजस्थान में आपने वसुंधरा को प्रोजेक्ट नहीं किया, आप हार गए। और इस बार कर्नाटक में सबसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा को आपने पीछे हटा दिया। एक क्षत्रप जो वहां पर उभर के आ चुका था, दक्षिण में पहला क्षत्रप, उसको आपने पीछे हटा दिया, आप हार गए। तो इसलिए आप पूरे देश में आप देखिए 2015-16 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं वो वहां वहां भारतीय जनता पार्टी जीत पाई जहां क्षत्रप पैदा हुए। यूपी को देखिए आप, यूपी में योगी एक क्षत्रप बन चुके हैं वहां के। और जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, उत्तराखंड में अगर दोबारा जीती है तो उसकी वजह दूसरी है, उसी वजह दूसरी ये है कि वहां पर उत्तराखंड दो हिस्सों में बटा हुआ है, गढ़वाल में और कुमाऊं में। कांग्रेस जब जब कुमाऊं के नेता को सामने लाती है वो हारती है, क्योंकि सीटें भी एक तो गढ़वाल की ज्यादा है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम टाइम गढ़वाल से मुख्यमंत्री बनाया है, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहता है। और साथ में मोदी की वेव को जुड़ जाना, वो जब जुड़ जाती है, यानी कि आप कह रहे हैं कि जो लोकल लेवल पे जो माइन्यूट जो डिटेलिंग, एब्सोल्युटली जो माइन्यूट मैनेजमेंट होना चाहिए वो भी बहुत हद तक मायने रखता है। बग्गा सर, अब ओवरऑल टेक अवेज अगर मैं आपसे कहूं कि ये एग्जिट पोल्स के क्या होंगे और इन टेक अवेज का कल और फिर अगर ये यही नतीजे 3 तारीख को भी रिफ्लेक्ट होते हैं तो फिर नेक्स्ट वीक आप मार्केट पर किस तरह का असर देख रहे हैं? देखिए वेव नहीं है, सो क्लैरिटी नहीं निकलेगी कि किस इश्यूज पे, तो हर स्टेट में डिफरेंट इश्यूज रहेंगे। और जिस तरह से विपक्ष का एक दावा था कि लैक ऑफ जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, ये सब मुद्दे रहेंगे, वो नहीं निकल के आए, तो ये एक मैं कहूंगा थोड़ा सा विपक्ष की विफलता भी है और शायद बीजेपी ने काम किया है ऑन द ग्राउंड, तो ये देखना होगा। दूसरा जो अहम बात है दीपक जी, वो सब यही कह रहे हैं कि वॉलिटिलिटी आती है मार्केट में अगले मार्च तक। मुझे भी लगता है मार्च अप्रैल में काफी मुश्किल महीने रहेंगे मार्केट्स के लिए, क्योंकि इतना क्लियर नहीं मैंडेट आ रहा कि बीजेपी के पॉलिसीज जो 10 साल के हैं वो इतना क्लियर उनको एडवांटेज दे रहे हैं। बट ये कहना पड़ेगा ये स्टेट लेवल है, रीजनल इश्यूज ज्यादा हावी हो जाते हैं, रीजनल लीडरशिप ज्यादा हावी हो जाती है। नेशनल इलेक्शन में कैडर बेस्ड पार्टी जब संघ के लोग घर घर जाके प्रचार करते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है, और प्रेसिडेंशियल अगर आप इसको बना देते हैं मोदी जी वर्सेज रेस्ट, तो बहुत बड़ा एक गैप खुल जाता है। तो बट ये आई थिंक जो विश्लेषण निकल के आएगा दीपक जी के 2024 में शायद इतना बड़ा बहुमत ना मिले, क्योंकि क्लैरिटी नहीं आ रही और 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी रहेगा, तो ये देख के सोच के काम करना पड़ेगा अगले 3-4 महीने के। फेयर इनफ। आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इस इन जो मौजूदा जो एग्जिट पोल्स के नतीजे दिख रहे हैं उसका क्या रिफ्लेक्शन हमें दिख सकता है, और वो है कोई भी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही, और जहां पर कंफ्यूजन होगा स्वाभाविक रूप से वहां वॉलेटिलिटी आएगी। अनिल आनंद सर, अजय सेतिया सर ने एक इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि अगर 2024 में इंडिया जो गठबंधन है उसको लीड करना है कांग्रेस को, तो यहां पर आपको कम से कम 2 जीतने पड़ेंगे, या हो सकता है 3 भी जीतने पड़े तब जाके वो कॉन्फिडेंस आए। आपको ये जो 5 का जो पंचतंत्र है इसमें कांग्रेस की कहानी क्या दिख रही है सर, 2 या 3 या 1 पे सिमट जाएगी? देखिए ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत क्लियर मैसेज है इन एग्जिट पोल्स का, जो पहले माना जा रहा था लेकिन एग्जिट पोल्स ने स्टैंप लगा दी। बहुत क्लियर मैसेज है कि मुकाबला सख्त है और कांग्रेस मुकाबले में है, जो मुझे लगता है कांग्रेस के खेमे में उनको एक खुशी होनी चाहिए उनको कि वो मुकाबले में है,
गत वर्षों में जो एक दो चुनावों को छोड़ के कर्नाटक जीते या हिमाचल जीते, अब इनको छोड़ दिए, ये 2018 के चुनाव जीते होंगे, कांग्रेस का ग्राफ लगातार जो इलेक्टोरल ग्राफ था वो गिर रहा था, कोई उनको कामयाबी की स्मेल कहीं से आ नहीं रही थी। लेकिन अब अगर आप लोकसभा इलेक्शन से 6 महीने पहले या 4 महीने पहले आप मुकाबले में लड़ रहे हैं, एक बड़ी पावरफुल पार्टी के साथ मुकाबले में डायरेक्ट कॉन्टेस्ट में हैं, तो मुझे लगता है ये एक अचीवमेंट की बात है उनके लिए। और दूसरा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, इकोनॉमिकली और मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे क्षेत्र नहीं है, लेकिन पोलिटिकली मैं पोलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ, जब लोकसभा के चुनाव आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हों तो आप कैसे कह सकते हैं कि 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और ये सेमीफाइनल नहीं है, या इसका कोई असर लोकसभा के चुनाव पे नहीं होगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोट कर देता हूं आपको, तेलंगाना की, कि तेलंगाना पे हमने बात कम की जरा, तेलंगाना सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इन 5 राज्यों में से इस दौर के जो चुनाव हुए हैं। ओके, तेलंगाना को मैं अगर गेटवे टू साउदर्न इंडिया कहूं तो गलत नहीं होगा। और कर्नाटक की जीत के बाद अगर कांग्रेस अगर जीत जाती है तेलंगाना, जिस तरह के एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एक मॉरल बूस्टिंग होगा वो उनके लिए। साउथ इंडिया या दक्षिण भारत हमेशा कांग्रेस का स्ट्रांग पॉइंट रहा है, बुरे वक्तों में भी कांग्रेस का साथ दिया है साउथ ने। अगर तेलंगाना, जहां पे कांग्रेस हाशिए पे थी, वो स्टेट अगर कांग्रेस जीत लेती है तो 130 सीटें जो साउथ की हैं उनके लिए, फिर उनके लिए वो लोकसभा चुनाव में एक फाउंडेशन बनाने का काम वो कर सकती हैं वहाँ पे। एब्सोल्युटली सर, तो कुल मिला के आज ये बड़ा वृहद हमने एक एनालिसिस दिया, अब देखते हैं कि तस्वीर क्या यही दिखती है 3 तारीख को, या फिर कुछ नतीजे ऑल्टर होते हैं या नतीजे कुछ इससे अलहदा होते हैं, ये देखना होगा 3 तारीख को। जी बिजनेस ने आपके लिए तैयारी की है, इसी तरह की हम एक गंभीर चिंतन भरा एनालिसिस आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। 3 तारीख को भी आपको सुबह 7 बजे से हमारे साथ रहना है, दिन भर हमारा इसी तरह का एनालिसिस जारी रहेगा। फिलहाल ये था एग्जिट पोल्स का एनालिसिस हमारे 3 बहुत ही खास मेहमानों के साथ। थैंक यू सो मच अनिल आनंद सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अजय सेतिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय बग्गा सर, आपका भी धन्यवाद। और आज तो हम आपको मार्केट एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट बोलते थे, लेकिन जो बिटवीन द लाइंस आपने जो पॉलिटिक्स पढ़ी है, अब आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी हो गए हमारे। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम सर, थैंक यू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बात थोड़ा सा बाजार की कर लेते हैं। बाजार में मंथली एक्सपायरी के दिन जोरदार एक्शन देखने को मिला, बाजार के प्रमुख इंडेक्स हल्की मजबूती के साथ बंद हुए। बीएसई सेंसेक्स 86 अंक चढ़कर 66,988 पर पहुंचा, वहीं निफ्टी 36 अंक उछलकर 20,133 पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 85 अंक फिसलकर 44,482 के स्तर पर क्लोज हुआ। बाजार में ऑटो, फार्मा, रियल्टी सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली, जबकि बैंकिंग सेक्टर में नरमी रही। कुशल गुप्ता बताएंगे दिन भर का हाल। मंथली एक्सपायरी के दिन बाजारों में आज उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, हालांकि सीमित दायरे में ही ज्यादातर कारोबार होता हुआ दिखा। ऑफकोर्स ये नजर सबकी थी कि यहाँ पर आज निफ्टी जो है लाइफ हाई लगाए गया नहीं, बट अभी थोड़ी सी दूर रहते हुए नजर आए थे। बट ऑफकोर्स यही देखना है कि यहाँ पर कल कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन जब हम वापस लौटते हुए दिखते हैं और नई सीरीज की शुरुआत होती है, क्या हम नया लाइफ हाई अचीव कर पाएंगे या नहीं, ये कहना और ये देखना काफी अहम हो जाएगा। बट ऑफकोर्स जो इस बारी आज के दिन में प्रदर्शन रहा है उसमें निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों की सूची में अल्ट्राटेक सीमेंट लीड करता हुआ दिख रहा था, साथ ही आयशर मोटर्स, एचडीएफसी लाइफ जैसे स्टॉक्स पर 2 से 2.5% तक की अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। गिरावट का मूड माहौल अदानी एंटरप्राइजेज में था, एलटीए माइंडट्री, रिलायंस, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर थोड़ा सा दबाव आज के दिन में देखने को मिला। स्टॉक्स इन फोकस में ऑफकोर्स 3 बड़े IPO की आज लिस्टिंग होती हुई दिखी, जिसके अंतर्गत टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा। लिस्टिंग गेन्स के लिहाज से जो ओपनिंग होती हुई नजर आई, 140% के प्रीमियम पर कंपनी ने अपने स्टॉक को लिस्ट किया टाटा टेक। साथ ही गांधार ऑयल रिफाइनरी, यहां पर भी बहुत ही अच्छे गेन्स के साथ लिस्टिंग होती हुई दिखी। साथ ही डेल्टा कॉप, बाजार बंद होते होते जो खबर आती हुई दिखी, जो कलकत्ता हाईकोर्ट से GST को लेकर जो अंतरिम रिलीफ मिलती हुई नजर आ रही है, उसके कारण से डेल्टा कॉप में भी आपको आखिरी कुछ मिनटों में बढ़िया एक्शन आता हुआ नजर आया। मेट्रो ब्रांड्स पर भी अच्छी तेजी थी, जो फुट लूजर के साथ इन्होंने टाई अप किया वो इनके लिए काफी फायदेमंद साबित होता हुआ नजर आ रहा था। टॉप गेनर्स के लिहाज से अगेन जनरल इंश्योरेंस कंपनियां फिर से लगातार पिछले कुछ दिनों से फोकस में रही है, और आज भी आप देखिए तो न्यू इंडिया इंश्योरेंस 10% के गेंस दिखा रहा था। साथ ही NBCC बहुत ही शानदार आउट परफॉर्मेंस इसमें भी आती हुई नजर आई। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंडिया सीमेंट जैसे स्टॉक्स पर भी 8 से 9% के गेंस थे। गिरावट कहा थी इंडियन बैंक, 6% की गिरावट यहां पर थी। थॉमस कुक, टेस्टी बाइट, इटेबल्स,
टीवीएस श्रीचक्र जैसे स्टॉक्स पर भी दबाव रहा। बट लार्जली अब आप देखिए ये जो सेटअप बनता हुआ नजर आ रहा है, ऑफकोर्स जो नया लाइफ हाई है उसके लिए निफ्टी तैयार होते हुए दिख रहे हैं। अब देखना है कि ये कब अचीव होता है, काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। 2023 पीवीआर आइनॉक्स के लिए भारी मुनाफे वाला साल बनने वाला है। फिल्मों की दमदार कलेक्शन से कैसे हो रहा है पीवीआर आइनॉक्स को फायदा, बताने के लिए हमारे साथ हैं कुशल। तो 2023 पीवीआर आइनॉक्स के लिए काफी बेहतर रह सकता है और इसकी सबसे बड़ी वजह बन रही है जिस तरह से लगातार जो इनकी मूवी कंटेंट पाइपलाइन रही है और जिस तरह से एग्जिबिटर्स यहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करते हुए दिख रहे हैं, उससे काफी बड़ा फायदा आगे चलकर पीवीआर को मिल सकता है। इनफैक्ट 2023 भी बहुत ही अच्छे नोट पर यह खत्म कर सकता है। रीजन बीइंग बॉलीवुड मूवीज का आप देखिए बेहतरीन ब्लॉकबस्टर कलेक्शंस होते हुए नजर आ रहे हैं। जवान मूवी आप देखिए पहले आती हुई दिखी थी, उसके बाद गदर 2, ओएमजी 2, जेलर, टाइगर 3 जैसे मूवीज के मजबूत कलेक्शन से काफी फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। साथ ही टाइगर 3 आप देखिए 276 करोड़ का इन्होंने भी डोमेस्टिक कलेक्शन किया था, हाल ही में रिलीज हुई थी। सातवीं बारहवीं फेल जो 51 करोड़ रुपए का कलेक्शन यहां भी करते हुए दिखे थे, वो भी एक काफी अच्छा इंडिकेशन है मूवीज के परस्पेक्टिव से जो कलेक्शन आते हुए दिखे हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कल ये रिलीज होने वाली है एनिमल मूवी जो कि रणवीर कपूर स्टारर है। ऑफकोर्स इससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बेहतर बन जाती है क्योंकि बहुत ही बेहतरीन एडवांस बुकिंग कलेक्शन यहां पर होते हुए दिख रहे हैं। अब तक कुल 5 लाख टिकटें इसकी बिक चुकी है और मूवी ने अब तक एडवांस बुकिंग के जरिए करीबन 14 करोड़ रुपए का कलेक्शंस कर लिया है। ऑफकोर्स हाई डिमांड है और इसी वजह से सुबह के शोज भी यहां पर रखे गए हैं एंड दिसंबर में एक बहुत ही स्ट्रांग पाइपलाइन यहां पर मूवीज़ के लिहाज से है। एनिमल मूवी एक तो कल आएगी, साथ ही सैम बहादुर भी रिलीज होती हुई दिखेगी। धुनकी पर भी नज़र रखिए, 21 दिसंबर को ये भी रिलीज़ होगी। एक्वामैन और साथ ही सलार, ये जितने भी मूवीज़ है बहुत ही अच्छा संकेत यही कर रहे हैं कि 2023 पीवीआर आइनॉक्स के लिए ओवरऑल काफ़ी बेहतर रह सकता है। कुशल हमारे साथ बने हुए हैं और वो बताएंगे कि नवंबर में कैसी रहेगी ऑटो कंपनियों की बिक्री। जी तो ऑटो कंपनी के लिए नवंबर महीना काफी शानदार रह सकता है क्योंकि त्योहारी सीजन का बूट माहौल था और जिस तरह से यहां पर बिक्री होती हुई दिखी है वो काफी शानदार रही है। तो नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स की बात करेंगे तो यहां पर मारुति सुजुकी करीबन 11% की ग्रोथ दिखाकर 1,70,000 यूनिट से ज्यादा बेच सकती है नवंबर महीने में। साथ ही M&M ऑटो ये लीड कर सकता है पैसेंजर व्हीकल्स को करीबन 30% की शानदार ग्रोथ के साथ 75,744 यूनिट्स पर हमारा अनुमान है। टाटा मोटर्स घरेलू पैसेंजर व्हीकल्स बिक्री आंकड़ों में रिलेटिवली थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर सकता है, 6% के तक की तेजी ही आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट ऑफकोर्स टू व्हीलर स्पेस ये क्लियर आउट परफॉर्मर रह सकता है नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में, जिसमें हीरो मोटो का रूरल डिमांड सुधरने से बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। 30% की ग्रोथ के साथ 5,10,000 यूनिट्स करीबन हमारा एक्सपेक्टेशन है। साथ ही बजाज ऑटो भी आप देखिए तो टू व्हीलर स्पेस से इनका जो सेल्स है वो करीबन 37% ग्रो करता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल सेल्स में भी 31% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। टीवीएस मोटर्स का जहां तक सवाल है 43% की ग्रोथ यहां पर भी हमारी उम्मीद है और यहां पर जो 43% की ग्रोथ रह सकती है वो करीबन 377,583 यूनिट्स पर हमारी एक्सपेक्टेशन है कि ये कंपनी अपने नवंबर महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में क्लॉक इन कर सकती है। रॉयल एनफील्ड रिलेटिवली अगेन अंडर परफॉर्म कर सकता है टू व्हीलर स्पेस से, बट यहां पर भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, 14% की ग्रोथ यहां पर भी एक्सपेक्टेड है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में VECV फार आउट परफॉर्म कर सकता है और 37% ग्रोथ के साथ 6,733 यूनिट्स पर हमारी एस्टिमेट्स है। साथ ही अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स की जो कमर्शियल व्हीकल सेल्स है वो करीबन 11-12% तक बढ़ सकती है। और अंत में जहां तक ट्रैक्टर सेगमेंट का सवाल है, पिछले कुछ महीनों में जहां पर हमारी अंडर परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस थी इस सेगमेंट को लेकर, M&M और एस्कॉर्ट्स इस बार आउट परफॉर्म कर सकते हैं 10-12% की ग्रोथ यहां पर भी हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो ऑल इन ऑल नवंबर महीना ऑटो बिक्री आंकड़ों के लिहाज से काफी शानदार रहने वाला है। चीन में तेजी से फैल रहे रहस्यमय निमोनिया ने दुनिया भर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए WHO के साथ ही भारत भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर राज्यों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है। रहस्यमय निमोनिया का खतरा चीन में है, लेकिन चिंता में दुनिया भर के देश हैं। ये चिंता जायज भी है। चीन से निकले COVID-19 के प्रकोप को कैसे भूला जा सकता है। कोरोना ने दुनिया भर में लॉकडाउन की स्थिति पैदा कर दी थी, लाखों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। ऐसे में इस बार चीन के फैले रहस्यमय निमोनिया को लेकर सभी देश अलर्ट मोड में हैं। भारत ने भी इससे जुड़ी किसी भी आशंका से निपटने के लिए राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया है। अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। राज्य भी किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
चीन में कोरोना की महामारी के बाद निमोनिया का ये नया वायरस बच्चों के लिए गंभीर खतरा बन गया है। तो पहले समझते हैं कि आखिर ये रहस्यमय निमोनिया वायरस कौन सी बला है। चीन के डॉक्टरों का कहना है कि ये एक नया वायरस है। ये वायरस बच्चों को तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है। ये ज्यादा घातक है और इस नए वायरस को लेकर रिसर्च जारी है। इस रहस्यमय निमोनिया वायरस से जूझ रहे बच्चों में कुछ खास लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसकी चपेट में आए बच्चों को सूखी खांसी, तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन की गंभीर समस्या देखने को मिल रही है। इसलिए इसे रहस्यमय निमोनिया कहा जा रहा है। जबकि सामान्य निमोनिया में बच्चों को बलगम के साथ खांसी की शिकायत होती है और तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन रहती है। इसे लेकर WHO भी अलर्ट मोड में है और उसने चीन से इस रहस्यमय बीमारी की पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही WHO ने सभी देशों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की है, जिसे देखते हुए सभी देशों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत की बात करें तो दक्षिण के राज्यों में खासकर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि विदेश में रहने वालों में इन राज्यों की भागीदारी ज्यादा है। ऐसे में इन राज्यों में जरूरी दवाओं के साथ अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने अधिकारियों से चीन के बॉर्डर से सटे 3 जिलों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ पर विशेष ध्यान देने को कहा है। फिलहाल तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली समेत सभी राज्यों के अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारत में रहस्यमय निमोनिया के किसी मरीज के मिलने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके बावजूद सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपनी गर्लफ्रेंड लिन लैशराम के साथ शादी रचा ली है। मणिपुर के इम्फाल में रणदीप ने लिन के साथ अपने नए जीवन की नई पारी शुरू की है। एक्टर रणदीप हुड्डा शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने गर्लफ्रेंड लिन लैशराम के साथ इम्फाल में शादी की। रणदीप हुड्डा मणिपुरी दुल्हा बने। उन्होंने सफेद धोती कुर्ते के साथ एक खास किस्म की पगड़ी पहनी। इसके बाद लिन लैशराम और रणदीप ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। शादी में परिवार के अलावा करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम पिछले काफी समय से रिलेशनशिप में थे। रणदीप हुड्डा ने शादी में जो खास पगड़ी पहनी थी, उसे मणिपुरी भाषा में कोकिएट कहा जाता है। इसे सफेद रंग के कपड़े से बनाया जाता है, जिस पर गोल्डन कलर की चौड़ी गोटा पट्टी लगाई जाती है। मणिपुर शादियों में इस पगड़ी का खास महत्व है। वहीं दुल्हनिया लिन लैशराम ने पोटलोई पोशाक पहनी थी। ये एक सिलेंडर के आकार की स्कर्ट होती है, जिसे बांस और मोटे कपड़े से बनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पुंछ जिले को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी के चलते मार्ग को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में मौसम बदल रहा है। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। पूरी कश्मीर घाटी में खून जमाने वाली ठंड पड़ रही है। मुगल रोड से ताजा बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। राजौरी और पुंछ जिलों को जोड़ने वाली मुगल को भारी बर्फबारी के कारण बंद कर दिया गया और बर्फ हटाने का काम किया जा रहा है। यहाँ की तस्वीरों को देखकर आप ऐसा महसूस करेंगे कि गुलमर्ग सफेद चादर ओढ़े सर्दियों के लिए बाहें पसारे तैयार है। शायद यही वजह है कि पर्यटकों के लिए गुलमर्ग का ये मौसम खास होता है। यहाँ लोग सुंदर बर्फबारी देखने आते हैं और स्नो गेम्स का मजा लेते हैं। बर्फबारी के बाद घाटी की सुंदरता देखते ही बन रही है। बर्फ की चादर से ढकी सड़कों को देखकर मन खुश हो जा रहा है। गुलमर्ग में बर्फबारी के साथ मैदानी इलाकों में बारिश भी जारी है। तापमान में काफी गिरावट आई है। इसके साथ ही कश्मीर घाटी में सर्दियां शुरू हो गई हैं। मौसम का मिजाज बदला तो लोगों ने घूमने के लिए गुलमर्ग का रुख करना शुरू कर दिया है। पर्यटक गुलमर्ग की बर्फ का आनंद लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। और कुछ खबरें इंटरनेशनल जगत से। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बढ़ती उम्र और गिरती सेहत की चर्चा एक बार फिर हो रही है। व्हाइट हाउस के पूर्व फिजिशियन और टेक्सास रिपब्लिकन प्रतिनिधि रोनी जैक्सन ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने दावा किया कि बाइडेन की तबीयत में तेजी से गिरावट आ रही है। रोनी जैक्सन ने कहा कि उन्होंने 3 राष्ट्रपतियों की देखभाल की है। यही कारण है कि वो ये अच्छे से जानते हैं कि कमांडर इन चीफ और राज्य प्रमुख के लिए क्या जरूरी है। ये काम मानसिक और शारीरिक रूप से कठिन काम है। उन्होंने ये भी कहा कि बाइडेन में ये जॉब करने की क्षमता नहीं है। वे हर रोज साबित करते हैं कि अब वे काम नहीं कर सकते। दिन ब दिन उनकी स्थिति और खराब होने वाली है। इसराइल और हमास के बीच सीज फायर खत्म होने से 8 मिनट पहले इसे एक दिन के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।
इसराइल और कतर के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस बीच हमास ने आज आजाद होने वाले 10 बंधकों की लिस्ट दी है, जिसे इसराइल ने मंजूरी दे दी है। युद्ध विराम के तहत हमास हर दिन 10 बंधकों को छोड़ेगा। इसके बदले में इजरायली 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेंगे। इजरायली सेना ने बताया कि सीज फायर की दूसरी शर्तों पर बातचीत अभी जारी है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को पाकिस्तानी हाईकोर्ट से राहत भरी खबर मिली है। पाकिस्तान हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में बरी कर दिया है। आपको बताएं कि आय से अधिक संपत्ति के एवनफील्ड संपत्ति भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 10 सालों की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि 2018 में अल अजीजिया स्टील मिल मामले में उन्हें 7 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल दोनों ही मामलों में मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक और MH औरंगजेब की पीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद नवाज शरीफ को बरी कर दिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। #ZIndia360 याद रखिए। नमस्कार।